ईमेल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या बेस्ट है आपके बिजनेस के लिए? अगर आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है या आपने कस्टमर तक पहुंचना चाहते हो, कौन सा तरीका बेस्ट है और कहां पे आपको बेस्ट आरओआई मिलता है, किस इंडस्ट्री के लिए क्या बेस्ट है, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट है या ईमेल मार्केटिंग। जो मार्केटर्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग दोनों होते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, आप किस टाइप के कस्टमर को रीच करना चाहते हो और कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। तो अगर हम सोशल मीडिया देखते हैं ना, सोशल मीडिया के पास आज के टाइम पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3.78 3.8 बिलियन लोग हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर हम देखें ईमेल मार्केटिंग, तो लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो 4.2 बिलियन के करीब लोग आज के टाइम पे ईमेल यूज करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली दुनिया का 50% पॉपुलेशन हो जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है स्टैटिस्टा, एक वेबसाइट है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उससे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। हम सभी को पता है कि हम कितना ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। जब आपके कस्टमर को ट्रांजैक्ट करना होता है, जब उसको एक परचेज करनी होती है, तो डेफिनेटली आप जो कम्युनिकेशन बिल्ड करते हो वो ईमेल के थ्रू ही करते हो। तो इन दोनों को आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट है आपके बिजनेस के लिए। तो ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है? ईमेल मार्केटिंग हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम डिजिटली किसी के थ्रू किसी के पास रीच कर रहे हैं, और वहां पे पहुंचने के लिए हम उनकी ईमेल्स का यूज कर रहे हैं, उनकी इनबॉक्सेस का यूज कर रहे हैं। और अगर किसी का ईमेल आप पहुंच सकते हो, तो डेट मीन्स आप बहुत पर्सनल के साथ कनेक्टेड हो, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी के इनबॉक्स के अंदर हो, तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने आपको अपना ईमेल दे रखा है, इसका मतलब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसने आपके ब्रांड के साथ रजिस्टर किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया है, और अगर वो आपका ईमेल देख रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर कर चुका है डेफिनेटली आपके साथ, तो ईमेल देख रहा है, देर आर चांसेस कि वो उसको ज्यादा बार ओपन करके दे सकता है, ज्यादा सीरियसली उसको लेता है। और वही ईमेल मार्केटिंग के कुछ एडवांटेजेस अब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं ईमेल मार्केटिंग के, ईमेल मार्केटिंग कैसे आपके बिजनेस को हेल्प करती है। तो जो पहला एडवांटेज ईमेल मार्केटिंग का, वो ये है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है अगर लोग आपकी ईमेल्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आप वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हो थ्रू न्यूज़लेटर्स या रेगुलर ईमेल। तो अगर कोई आपका ईमेल पढ़ रहा है ना, तो एक्चुअल में आप उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, और ये रिलेशनशिप डेफिनेटली जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप के ऊपर ही चलता है। और जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, आप स्टोरीज बता रहे हो, आप डिस्काउंट बता रहे हो, कूपन्स बता रहे हो, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर यूजर को आप उसके नाम, उसके बर्थडे के ऊपर कुछ ऑफर्स दे रहे हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, बिकॉज नाउ द पर्सन इज वेरी मच कनेक्टेड विथ यू थ्रू हिज पर्सनल ईमेल। और अगर आपको किसी ने ईमेल दे रखा ना अपना, तो इसका मतलब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, डेट इज वाई दिस पर्सन हैज गिवन यू हिज ईमेल। और अगर आपके पास किसी का ईमेल आया था, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हो, और चाहते हो कि उसकी ईमेल के ऊपर आप रहें। ऐसा नहीं कि हम अनसब्सक्राइब कर दें अगर आप उसको इररिलेवेंट और स्पैम ईमेल भेज रहे हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप टॉप ऑफ द माइंड रहते हो आपके यूजर के, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा ना, तो हम एक दिन के अंदर हजारों चीजें देखते हैं सोशल मीडिया पे, हजारों अकाउंट्स हमारे सामने से गुजरते हैं, हजारों वीडियोस हमारे सामने से गुजरती है, तो बहुत बार हम रिमेंबर भी नहीं कर पाते, हमारे पास वो ब्रांड बिल्ड नहीं हो पाता अगर हम किसी को एक बार से ज्यादा नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आ रहा है किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का, और वो आपको अपडेट कर रहा है हर न्यू अपडेट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी डिलीवरी के बारे में, तो एक्चुअल में यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो ब्रांड बिल्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया, वहाँ पे कोई भी आपके अकाउंट को ओन नहीं करता है, तो अगर वो ऐड चला रहा है, अगर आपके पास कुछ सजेशन आया, तो दैट इज़ ऑल अबाउट एल्गोरिथम। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आ रहा है, इसका मतलब आपने अपना नंबर, अपना ईमेल किसी को पर्सनली दिया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो लोगों को पता चलती है, जस्ट बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट विद दिस पर्सन ऑन रेगुलर बेसिस। ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हो बेस्ड अपॉन कि उनकी एक्टिविटीज क्या है आपकी वेबसाइट पे, या वो किस फनल के थ्रू आए। तो लेट्स से अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको पता है कि एक प्रोडक्ट किसी मेल ने खरीदा, दूसरा प्रोडक्ट किसी फीमेल ने खरीदा। अब आप उसको जब सेगमेंट कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑफर सेंड करते हो, तो आप मेल को अलग ऑफर दिखा सकते हो, लेट्स सी ग्रूमिंग प्रोडक्ट फॉर मेल,
और फीमेल को अलग ऑफर दिखा सकते हो, लेट्स से ग्रूमिंग प्रोडक्ट फॉर फीमेल, सो अलग सेगमेंट हो गया, तो आपकी जो टारगेटिंग है बहुत स्पेसिफिक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा यू हैव अबाउट योर ऑडियंस। तो अगर आपके पास ऑडियंस है जो आपकी ईमेल लिस्ट के ऊपर है, बिल्कुल भी आप इस स्ट्रैटेजी को मिस मत करो, इसका एडवांटेज पूरा का पूरा लो कि आप उन लोगों को सेगमेंट करो जो डिफरेंट फनल से आ रहे हैं। और ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही नहीं है, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, इवन B2B इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, तो आप सेगमेंट कर सकते हो कि कौन सा ऑडियंस किस तरह से आया है, किस प्लेटफॉर्म से आया है, किस कंपनी के अंदर है, कंपनी का साइज कितना बड़ा है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगता है कि ईमेल मार्केटिंग का है, और जो लोगों को भी लगता है, और यू नो हमको स्ट्रैटेजिक से भी पता चलता है कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें आ रहा है। अगर ईमेल मार्केटिंग का जनरल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें पता जाता है, वो ये है कि अगर आपने $1 इन्वेस्ट किया ईमेल मार्केटिंग के अंदर, तो आपको $44 to $45 मिल जाता है अगर आप डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप यू नो रुपए के हिसाब से देख रहे हो तो ₹1 तो 45x आपको ROI मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट में इन ईमेल मार्केटिंग। और ऐसा ROI आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ये आपको इसलिए मिल पाता है क्योंकि आपके पास किसी का पर्सनल ईमेल एड्रेस है और आप उसको मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेट कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो मल्टीपल यूजर जर्नी के ऊपर, उसको हेल्प कर सकते हो एक बाइंग डिसीजन बनाने के लिए। और एक एडवांटेज ये भी है कि ईमेल मार्केटिंग बहुत ईजिली आप सेटअप कर सकते हो, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। अगर आप इसको कनेक्ट करते हो अपने ईमेल लिस्ट के साथ, अपने फॉर्म के साथ, तो देर आर यू नो वेरी सिंपल वे, आपको अपनी लिस्ट अपलोड करनी है, उसको सेगमेंट करना है, और डिफरेंट लिस्ट को डिफरेंट लोगों को अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट आप उनको ईमेल भेज सकते हो। अगर आप कहीं पे अपलोड कर रहे हो अपनी लिस्ट, तो आपको डेफिनेटली जो ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं, ऑटोमेशन प्रोवाइडर्स, वो एक टेम्पलेट आपको देते हैं, बट डेफिनेटली यू नो अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट करना है, न्यूज़लेटर्स के अलावा भी ईमेल सेंड करने हैं, तो आपको अपना खुद का इजी टू यूज फॉर्मेट यूज करना चाहिए विदाउट मच यू नो UI UX एडिटिंग एंड ऑल दिस यू नो टेम्पलेट जो आप बनाते हो। इंस्टेड सिंपल ईमेल्स भेजो, उनके साथ कन्वर्स करो, उनसे बातें करो, उनको बताओ कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो टू अचीव समथिंग जो भी आप सेल करना चाह रहे हो, राइट। तो जो कस्टमाइज ईमेल होता है ना, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा यू नो कस्टमाइजेशन यूज़ कर रहे हो, उनका नेम यूज़ कर रहे हो, उनकी लोकेशन, और एक्चुअली तो प्रोडक्ट्स दे मस्ट बी लुकिंग फॉर, तो उससे आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा हो जाता है। सो द मोर कस्टमाइजेबल द ईमेल इज, द मोर यू नो इनपुट्स यू प्रोवाइड, द बेटर रेट इज, द बेटर टारगेट रेट इज। और जितने भी आज के टाइम पे हमारे पास ईमेल ऑटोमेशन के टूल्स हैं, उनके अंदर इतना मुश्किल भी नहीं है मेजर करना। तो अगर आपने कोई ईमेल कैंपेन भेजा और आपका ईमेल कैंपेन चल रहा है, तो आप ट्रैक कर सकते हो क्या ओपन रेट है, कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक किया, कितने लोगों ने एक्चुअल में बाय किया आपके ईमेल से। डेफिनेटली आप कस्टम URLs वहाँ पर डाल सकते हो, आपको पता ही है कि कैसे कस्टम URL बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके देख लो कस्टम URL बिल्डर, एंड यू कैन एक्चुअली बिल्ड कस्टम URLs, और उसके हिसाब से आप ट्रैकिंग कर सकते हो, बता सकते हो लोगों को कि कहाँ पे कौन सा लिंक क्लिक हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, किस लिस्ट के अंदर हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑप्टिमाइज। आप देख सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर लिस्ट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो आप उस लिस्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई लिस्ट बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो मे बी वहाँ पे लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या जो प्रोडक्ट है, जो आपकी ईमेल यू नो मैसेजेस हैं, वो रिलेवेंट नहीं है, तो आप वो चेंज करके देख सकते हो। तो इट बिकम्स वेरी मच ईजियर जब आप ट्रैक करते हो चीज़ों को, और जितने भी मेजर टूल्स है वो आपको हेल्प करते हैं ट्रैकिंग के अंदर बहुत आसानी से। हम बात करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो एक्चुअल में बेनिफिट हो सकती है ईमेल मार्केटिंग से, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि ईमेल मार्केटिंग में भी किसी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी यू नो ROI जनरेटिंग नहीं है, और किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप किसी भी B2B बिजनेस की बात करते हो, आप किसी भी ऐसे बिजनेस की बात करते हो जहाँ पे लोगों को चाहिए कि जो इतने भी इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मेरे ही मेल पे आए, तब आप ईमेल मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपका कोई B2B बिजनेस है जहाँ पे आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को हर इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताना चाहते हो, उनके अकाउंट के बारे में बताना चाहते हो, तो ईमेल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और अगर आपका B2C बिजनेस भी है जहाँ पे लोग आपसे मल्टीपल टाइम्स यू नो परचेज करते हैं, लाइक एन ई कॉमर्स, उन्होंने एक बार परचेज किया बट मे बी इन फ्यूचर दे ऑल्सो लाइक टू परचेज, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट परचेज किया और उसके जो अराउंड उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं वो आपसे परचेज करना चाहते हैं। जैसे दे हैव बॉट अ बैट, आपसे एक बैट खरीदा उन्होंने, अब उनको बॉल्स भी चाहिए जस्ट बिकॉज दे प्ले क्रिकेट, तो वो आप कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, जस्ट बिकॉज यू कैन गिव देम इंपॉर्टेंट अपडेट्स। लेट्स से आपके पास कोई ई कॉमर्स पोर्टल है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, और आपको लगता है कि कोई टेक्नोक्रेट है जो आपसे मल्टीपल टाइम्स बाय करता है, और कोई भी नया प्रोडक्ट आता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो डेफिनेटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने डेटा से पता चला, तो आप ये उसी लोगों को ऐसी ईमेल भेज सकते हो जब भी आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिले, वो मिस आउट ना करें किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली ट्रांजेक्शनल जितने भी ईमेल्स होते हैं, डेट मीन्स किसी ने परचेज किया, किसी की डिलीवरी हो रही है, उसकी अपडेट देना, यहाँ पे जितने भी ज़रूरत है आप सारे के सारे इंडस्ट्री के अंदर ईमेल यूज़ कर सकते हो। और B2B इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों को चाहिए कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट
चीजें वो भूले ना, उनकी ईमेल के अंदर अगर वो खोल भी नहीं रहे तो पड़े रहे, और उनको जब भी जरूरत हो तो उसको खोल के देख सकें। और अगर कोई भी फाइनेंशियल सर्विस यूज कर रहे हो, जैसे आपको बैंक हो गया, कोई भी फिनटेक कंपनी हो गई, आपको चाहिए आपके पूरे इन्वेस्टमेंट के, आपने जितने पैसे डाल रखे हैं उस बैंक के अंदर, उस स्टॉक के अंदर या किसी SIP के अंदर, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे को रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। तो ये बहुत अच्छा वे है अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच करने का थ्रू ईमेल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग किन बिजनेसेस के लिए अच्छी है और क्या एडवांटेज है हमको सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करने की। तो अगर हम ईमेल मार्केटिंग से कंपेयर करें ना, सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड न्यू यूजर्स। आपको वहां पे मिलते हैं न्यू यूजर जिन्होंने अभी तक आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है। आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस, इकोसिस्टम के अंदर ला सकते हो और तब उनको सर्विसेज सेल कर सकते हो बाय एडिंग देम इन योर इकोसिस्टम। अगर आपका पास उनका फोन नंबर आ जाए, उनका ईमेल एड्रेस आ जाए, तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच यू कैन यूज टू ब्रिंग न्यू यूजर्स टू योर बिजनेस। जब भी आप नए यूजर के बारे में सोचते हो, देन दिस इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जो हमको एक एडवांटेज मिलता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो ये है कि हमको ब्रांड अवेयरनेस मिलती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल इतना पावरफुल हो गई कि आपको पता है कि अगर किसी ने मेरे बिजनेस के साथ एक बार इंटरेक्ट किया, उसको हम कैसे मल्टीपल टाइम्स दिखा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के अंदर शायद कोई आपको अनसब्सक्राइब कर दे और आपको ईमेल ना सेंड कर पाओ, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जब तक आपको कोई बैन नहीं कर देता, जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम डिफरेंट एड्स दिखा सकते हो और बता सकते हो कि आपका बिजनेस क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है किसी भी यूजर तक पहुंचने के लिए अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग वो आप यूज कर रहे हो और वो सोशल मीडिया के साथ एडिक्टेड है, बिकॉज पीपल वांट टू एंजॉय, पीपल वांट टू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपका नया यूजर आपके बिजनेस के इन्फ्लुएंस में आए, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट, टू गेट द अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट आउट देयर। ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है ना कि आप डेफिनेटली लोगों को सेल कर सकते हो, अपसेल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन के ऊपर ला सकते हो, बहुत सारी चीजें बता सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमारे पास नया कस्टमर आए, हमारा बिजनेस ग्रो हो, हमको न्यू यूजर एक्विजिशन करना है, रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए आपको, डेफिनेटली हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। पहले बार हमारा कस्टमर अगर हमको इंटरेक्ट करे सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि जब आपके साथ वो पहली बार इंटरेक्ट करता है, पहली बार आपसे कुछ परचेज करता है, तब आपके पास उसका ईमेल आता है, उसका फोन नंबर आता है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली डू ईमेल मार्केटिंग टू देम। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हो, रेवेन्यू ग्रोथ तभी होगा जब आपके पास नए कस्टमर्स आएंगे, नया एक्विजिशन होगा, वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, लोग पहचानेंगे आपके ब्रांड को जस्ट बिकॉज दे आर सीइंग यू मल्टीपल टाइम्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रोथ हो, हमको एक बड़ा चंक मिले किसी भी इंडस्ट्री का, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बिजनेस। और ये बात बहुत लोग मानते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपका एक ब्रांड बन रहा है, आपकी फॉलोइंग अच्छी है, लोग आपको जानते हैं, लोग एक्चुअली सर्च करते हैं आपके ब्रांड के बारे में, तो ये आपके SEO को भी हेल्प करता है, क्योंकि सोशल सिग्नल्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके SEO को बूस्ट करता है, आपकी कंपनी की, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ाता है। क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट वे से सोशल सिग्नल आ रहे हैं, डेट मीन्स यू आर अ ग्रोइंग ब्रांड, पीपल एक्चुअली नो यू, और जब पीपल आपको जानने लगते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपको इसकी हेल्प मिलती है आपकी SEO एक्टिविटीज के अंदर भी। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, अगर आपके सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है तो ये आपको एक्चुअली हेल्प करेगा आपका SEO का ट्रैफिक ग्रो करने में भी। जो मेरे को सोशल मीडिया का सबसे बड़ा वेपन लगता है, जिसकी वजह से हम एक्चुअल में अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, उनको बार बार अपने ऐड दिखा सकते हैं, वो रीटारगेटिंग। अगर किसी ने आपके प्लेटफॉर्म के साथ, आपके चैनल के साथ, आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल के साथ इंटरेक्ट किया, आप उन्हीं सेम लोगों को वापस एड्स दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास रीटारगेटिंग की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, आप उनको सोशल मीडिया के ऊपर अगेन ऐड दिखा सकते हो, ताकि आपका एक ब्रांड बिल्ड हो। जब लोग आपको मल्टीपल टाइम्स देखते हैं ना, तब जाके उनके दिमाग में रजिस्टर होता है और उनका परचेजिंग डिसीजन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोग उसी से बाय करते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई आपको बार बार देख रहा है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है आपकी नई टारगेट ऑडियंस के साथ, जिन्होंने अभी तक आपसे परचेज नहीं किया। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्चुअल में बेनिफिट हो सकती है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम स्टार्ट देखें ना, तो 92% ऑफ द एक्विजिशन जो पॉजिटिव ROI के अंदर जाता है, वो सोशल मीडिया चैनल से ही आता है। तो अगर आपको कोई नया एक्विजिशन करना है,
नए कस्टमर्स चाहिए तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बिजनेस। क्योंकि जो बाकी अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू जाओ, आपने कोई प्रिंट एड छपवाया, आपने कोई बैनर लगवाया, आप उसको ट्रैक भी नहीं करवाओगे कि आपके कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने लोग एक्चुअल में देख रहे हैं और क्या इंपैक्ट पड़ा उस एड का। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ये पॉसिबल है, आप एड चला सकते हो, लोगों को लेके आ सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि कितना एक्विजिशन हुआ एंड व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गेटिंग ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन से बिजनेस के लिए सुटेबल हो सकता है, अगर हमको ये समझना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एक्चुअल में है क्या। सोशल मीडिया के ऊपर आप पोस्ट डाल सकते हो, आप क्रिएटिव डाल सकते हो, आप वीडियोस डाल सकते हो, ऐसी चीजें जिसके साथ लोग इंटरेक्ट करें। अगर आपने कोई इंफोग्राफिक डाला, कोई पोस्ट डाला, तो लोग उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो डाला, लोग उसको देख सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, सारे के सारे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो जो भी इंडस्ट्री जहां पर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है एट द एंड ऑफ यू नो द फनल, लास्ट में कौन है, हम क्या देखना चाहते हैं, किससे ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो B2C इंडस्ट्री जिसके अंदर भी ये है, तो फॉर B2C इंडस्ट्री दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। और लेट्स से अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है, अगर आप कोई अपेरल सेल कर रहे हो, क्लोथिंग सेल कर रहे हो, यू नो कॉस्मेटिक सेल कर रहे हो, तो आप इसको विजुअली दिखा सकते हो एड के थ्रू, और लोग एड के थ्रू या ऑर्गेनिकली, और लोग जब आपका एड देखते हैं, जब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली वो बैंक डिसीजन वहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी को एडुकेट करना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स से लाइफ साइंसेज या यू नो योगा के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में, तो जितने भी ऐसे बिजनेसेस हो गए B2C के अंदर अगेन, जहाँ पे लोग एक्चुअल में मोर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ऐसे बिजनेसेस भी आप टारगेट कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर। तो जहाँ पे भी विजुअली हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, जहाँ पे भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ से, उसके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू घर भी सेल कर सकते हो, आप लीड जनरेशन कर सकते हो उन लोगों के जिनको घर बाय करना है, आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हो जिनको कोर्सेज बाय करने हैं, बिकॉज यू कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू अ सोशल मीडिया एड या ऑर्गेनिकली, और जब वो उससे इंटरेस्टेड हो तब आप डेफिनेटली अपने फनल के अंदर लाके उनको चीजें सेल कर सकते हो। कॉस्मेटिक्स और इन सब की मैंने बात कर ली, ई कॉमर्स के अंदर आता है, तो ई कॉमर्स के थ्रू आप ये सारी चीजें भी सेल कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा क्रिएटिव बनाते हो, कितने अच्छे वे से प्रेजेंट करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, जहां पर भी प्रेजेंटेबल चीजें होती हैं, सोशल मीडिया इज द वे टू गो। तो अगर हमें अब ये डिबेट कंक्लूड करनी पड़ी कि क्या बेटर है आपके बिजनेस के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग, तो आपको बताता हूँ, अगर आपको नए यूजर्स चाहिए, अगर आपको चाहिए कि नए यूजर्स आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करें, आपकी इकोसिस्टम के अंदर आए, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करो, ताकि फर्स्ट टाइम अगर वो आपके ऐड को देखते हैं, आप एक नया यूजर एक्वायर कर सकते हो, और एक बार वो आपकी इकोसिस्टम में आता है तब आप उसको मल्टीपल चीजें सेल कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर बढ़े, अगर किसी ने आपसे एक बार खरीद लिया तो बार बार आपसे नई चीजें खरीदे, ताकि आपको लाइफ टाइम बढ़े और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तब ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। क्योंकि अगर आपको अपडेट करना है अपने करंट यूजर को, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बेटर अपडेट कर सकते हो उनको, बेटर ईमेल सेंड करके उनको बता सकते हो कि देयर आर न्यू प्रोडक्ट्स यू कैन बाय, तो आपके लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा देगा डेफिनेटली। जो आपके ईमेल लिस्ट उससे छोटी होगी जितने आप लोगों को सोशल मीडिया पे रीच कर सकते हो, बट सोशल मीडिया पे आपका कन्वर्जन रेट बहुत कम रहेगा। अगर आपको चाहिए कि मेरा कन्वर्जन रेट बढ़े, तो डेफिनेटली एक बार वो आपकी ईमेल लिस्ट के अंदर आ जाता है, तब आपको मल्टीपल डाउन सेल अपसेल करके मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप बड़े से बड़ा मार्केट कैप्चर करो और आपका बिजनेस ग्रो करता रहे, तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बिजनेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप क्या प्रेफर करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और आप मेरे को बताओ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उन टॉपिक पर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको इसका कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, प्लीज फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।